हरिओम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, मैं मानव बुद्धदेव आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। नुपुर शर्मा प्रकरण आज देश का ही नहीं विश्व का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सभी जानते हैं कि किसी न्यूज चैनल पर ज्ञानवापी पर चल रहे डिबेट में उन्होंने भगवान शिव की अवमानना से दुखी होकर मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी कर दी। उसके बाद इस्लामिक देशों से हो रहे विरोध के कारण बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया और परसों शुक्रवार को नमाज के बाद कई शहरों में दंगे हुए, पत्थरबाजी हुई। नुपुर शर्मा जी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं और ना ही समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता ही नहीं कि वास्तव में उन्होंने क्या कहा था। मैंने YouTube पर भी सर्च किया किंतु लगता है कि वो विवादित पार्ट हटा दिया गया है। चर्चाएँ हो रही है कि नुपुर जी ने कुरान अथवा हदीस में लिखी किसी बात का ही जिक्र किया था और वो भी भगवान शिव जी और सनातन धर्म का हो रहा अपमान उनसे नहीं सहा गया इसलिए किया था। चाहे जो भी हो, हम किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते क्योंकि हम सेकुलर भारत के नागरिक हैं। यहाँ किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ बोलना उचित नहीं है। हाँ, हिंदू धर्म के खिलाफ कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है मित्रों, उसके लिए खुली छूट है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वो शिवलिंग के लिए कोई चाहे जितना गंदा बोलना चाहे बोल सकता है, गैर हिंदू धर्म की आस्था पर कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, चाहे वो सत्य ही क्यों ना हो। तो इसमें गलत क्या है? आपको गलत लगता हो तो कमेंट में बताइए। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता, ये तो हमारे भारत की परंपरा है, ये तो हमारे भारत का संविधान है, ये तो हमारे भारत का कानून है, हमें उसका आदर करना चाहिए। हमारे देवी देवता, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति का लाख अपमान किया जाए, लाख उसका मजाक उड़ाया जाए, हमें मौन रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे सेकुलर भारत का नियम है, कानून है। नुपुर शर्मा जी, आपको क्या जरूरत थी इस तरह के बयान देने की? आपको पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू प्रकरण से कुछ सीख लेनी चाहिए थी। क्या सीख लेनी चाहिए थी वो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। नुपुर जी, क्या आपने पीके फिल्म नहीं देखी? मेरा सवाल है आपसे, बताइए। नहीं देखी हो तो अब देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आप गलत है। पीके फिल्म में भगवान शिव और हमारे सभी देवी देवताओं का इतना घटिया तरीके से अपमान किया गया, फिर भी क्या कार्रवाई हुई हमारे धर्म का मजाक उड़ाने वालों पर? और हमारी माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की नंगी तस्वीरें बनाकर उसकी प्रदर्शनी लगाने वाले चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन को तो तत्कालीन सरकार ने पुरस्कारों से सम्मानित किया था। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि ऐसे कई बड़ी उपाधियों से नवाजा गया हुसैन को। हिंदू जन जागृति समिति जैसे सच्चे धर्म व राष्ट्रनिष्ठ संगठनों की वजह से और अन्य कुछ जागरूक हिंदुओं की वजह से उनके खिलाफ न्यायालय में केस चला हुसैन के खिलाफ, क्योंकि भारत माता का भी बहुत घिनौना पेंटिंग बनाया था उन्होंने, मकबूल फिदा हुसैन ने। किंतु क्या बिगाड़ लिया उनका किसी ने? वे भारत छोड़कर लंदन चले गए जहां 2011 में उनकी मौत हो गई। नुपुर जी, इस देश में हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान चल सकता है, बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। किंतु आपने ये हिम्मत कैसे की उन पर टिप्पणी करने की? मैं आपका विरोधी नहीं हूं और ना ही समर्थक भी हूं, मैं आपका एक हितचिंतक हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि संत श्री आसाराम जी बापू के प्रकरण से तो कुछ सीख ली होती आपने। मैं तमाम हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आसाराम जी बापू प्रकरण को देखिए और उससे कुछ सीख लीजिए, कुछ लीजिए सीख उस प्रकरण से। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जेल जाने के पहले से ही दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी के खिलाफ 67 नॉन अवेलेबल वारंट है। पुलिस ने कोर्ट को लिखकर दे दिया था कि उनको हाथ लगाएंगे तो देश में दंगे हो जाएंगे। और आसाराम जी बापू को 9 वर्षों में कभी पैरोल नहीं दी गई, जमानत नहीं दी गई। सबूतों से वे निर्दोष साबित हुए, फिर भी पॉक्सो कानून का दुरुपयोग करते हुए उन्हें जेल में रखने की साजिश की गई। इतने बड़े संत की जिनके करोड़ों अनुयायी है आज जेल में है क्योंकि वे हिंदू संत है। मैं किसी भी धर्म की निंदा नहीं करता,
ना ही किसी का विरोध अथवा समर्थन ही करता हूँ। मैं तो हिंदुओं का हित चिंतक हूँ, इसलिए उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप कभी भी किसी भी अन्य धर्म के खिलाफ कुछ भी ना बोले, चाहे आपकी बात सत्य ही क्यों ना हो। आपको मौन रहना चाहिए क्योंकि हमारा देश सेक्युलर है, सेक्युलर, और हमारे देश में सेक्युलरिज्म का, धर्म निरपेक्षता का मतलब है गैर हिंदुओं की आस्था का, श्रद्धा का पूरा सम्मान होना चाहिए, और हिंदुओं की आस्था का, श्रद्धा का, देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाए, अपमान किया जाए तो भी सबको शांति बनाए रखनी चाहिए, मौन धारण करना चाहिए, क्योंकि अपमान करने वालों की, हमारे धर्म का मजाक उड़ाने वालों की भावनाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का, सेकुलरिज्म राष्ट्र का, जहाँ सेकुलरिज्म चलता है, धर्म निरपेक्षता चलती है, ऐसे सेकुलर भारत का संविधान हमें यही सिखाता है, बस यही सिखाता है। जय हिंद, जय भारत, जय हो धर्म निरपेक्षता की, सेकुलरिज्म की जय हो।